हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिहारी स्पेशल खाजा की रेसिपी। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, काफ़ी लेयर्ड होती है इसमें, तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कप गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें 1 कप मैदा ऐड कर देंगे, मैदा ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पर गेहूँ का आटा ही ले सकते हैं। तो इसको ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल ऐड कर दिया। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं, देसी घी से बने खाजा भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको ऐड करने के बाद हल्का सा, बहुत ही 1 पिंच मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। ये ऑप्शनल है बट इससे टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आता है, तो मैंने 1 पिंच इसमें नमक ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पानी से हल्का हल्का सा लगाकर गूंथ लेंगे। मतलब एक ऐसा डो तैयार करेंगे कि जो ना पतला हो ना बहुत ज़्यादा एकदम टाइट हो। तो मैंने एक ऐसा डो यहाँ पर लगाकर तैयार कर लिया है। तो क्रिस्पी हम इसको बनाने वाले हैं, तो डो मतलब एकदम पतला नहीं होना चाहिए, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और इस डो को हम कम से कम 15 से 20 मिनट तक ढककर रख देंगे। तब तक हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप चीनी लिया है, और चीनी में हम लोग 1.5 कप ही पानी ऐड कर देंगे। तो जितनी चीनी उतना ही पानी ऐड किया है, क्योंकि चाशनी बहुत ज़्यादा हमें एकदम से टाइट नहीं बनानी है, तो इसलिए मैंने इतना ही इसका मेजरमेंट रखा है। थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर केसर ऐड किया है कलर के लिए। कलर भी अच्छा आता है और मतलब खुशबू भी बहुत अच्छी आती है केसर की। जब तक हमारा चाशनी तैयार होता है, तब तक हम यहाँ पर बटर बना लेते हैं थोड़ा सा लेयर्स बनाने के लिए। तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है काम, बार बार ऑयल और आटा स्प्रेड नहीं करना पड़ता है। तो मैं एक जगह इसको मिक्स कर लूँगी। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच आटा इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। इसी को ही हम उसमें लगाने वाले हैं बीच बीच में लेयर्स के। तो ये मैंने यहाँ पर रेडी करके रख लिया है, और जो आटा हमने बनाकर रखा था वो भी बिल्कुल अब रेडी होगा। तो मैंने यहाँ पर उसकी 9 लोई बना ली हैं। 9 रोटी बनाएंगे हम इसकी लेयर्स बनाने के लिए। आप चाहें तो 10 से 12 भी बना सकते हैं, बट 9 तो आप ज़रूर ही बनाइए, मैंने इससे कम रखेंगे तो लेयर्स बहुत अच्छी नहीं दिखाई देंगी। अब इसको हम पतला पतला, एकदम पतला पतला बेलेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं बिल्कुल पतला, एकदम रोटी की तरह ही इसको बेल लीजिए। थोड़ा बड़ा बड़ा इसको बेल लेंगे, रोटी से थोड़ा सा बड़ा रखना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और क्या आपने कभी उनको घर पर बनाकर ट्राई किया है, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर पतली पतली रोटियाँ बना ली हैं। सारी रोटी हम ऐसे ही बनाकर एक बार में रख लेंगे, बार बार इसको नहीं बनाएंगे, एक ही बार आप रोटी बनाकर रख लीजिए। और ये जो हमारा आटा है ना, इतना ऐसी कंसिस्टेंसी है कि आपस में चिपकेगा भी नहीं। मैंने एक के ऊपर एक ही रोटी रख दी है। तो इस तरह से बना बनाकर हम बिल्कुल पतली पतली रोटियां बनाकर रख लेंगे। दूसरी रोटी बना लेते हैं, एक रोटी बन गई है। तो महीनों तक भी ऐसे ही रख सकते हैं, जब आपको खाना हो तभी इसको चाशनी में डालें। अगर आप चाशनी में एक बार डाल देंगे तो इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं रख पाएंगे, बट अगर आपने इसको चाशनी में नहीं डाला है, ऐसे ही रखा है, तो आप काफ़ी टाइम तक इसको रख सकते हैं। और उसमें इसी तरह से आप ये सब कर सकते हैं, मतलब बाद में चाशनी के साथ इसको खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो रोटी बनाकर रखी थी उनको सब रेडी है, वो सब बनकर। तो अब हम एक एक करके अपनी रोटी ले लेंगे और उसको लेयर्स बना लेंगे। ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है इसको बनाने का, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, बिल्कुल एकदम इजी रेसिपी है। देखने में लगता है कि लेयर्स कैसे आएंगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इतना टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर जो हमने बटर बनाकर रखा था उसको इस पर लगा लेंगे अच्छे से। रोटी ऐसे ही रखते जाएंगे बटर लगा लगा कर। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसको बटर लगाइएगा, बिल्कुल भी किनारों पर ऐसे खाली नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छे से इसको लगा देंगे। और फिर दूसरी रोटी हम इसके ऊपर रख लेंगे। जितनी भी हमने 9 रोटी बनाकर रखी है वो सब एक के ऊपर एक ऐसे ही पतला पतला बनाकर इसके ऊपर रखते जाएंगे, और बटर बीच बीच में इसको लगाते जाएंगे। हर एक रोटी के बीच में बटर जरूर लगाना, जो हमने बनाकर रखा है पेस्ट इसको जरूर लगाना। तो इस तरह से हमने सारी रोटी को रख लिया है, और ऊपर से हम अब बटर स्प्रेड कर देंगे, लास्ट है बिल्कुल। तो सारी रोटी हमारी इसमें ऐड हो गई है, लास्ट में हमने इसको भी गार्निशिंग कर दिया है बटर से। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद ना इसको पतला पतला बिल्कुल फैला लेंगे, मतलब जैसे गोल गोल आपने ये रोल बनाया, तो इसको थोड़ा सा पतला कर लीजिए रोल को। और आधा रोल मैंने एक तरफ रख दिया है, आधे रोल से बनाते हैं,
क्योंकि चॉपिंग बोर्ड पे पूरा रोल नहीं आ रहा था, तो मैंने हाफ इसको ले लिया है। इस तरह से लेके इसकी शेप बनाएंगे, और जो किनारे यहाँ पर बचे हैं ना, इनको बहुत अच्छे से मतलब आपको माइंड कर देना है, नहीं तो ये निकल जाएंगे और ये फट जाएंगे खाजा बिल्कुल। तो आपको इस तरह से इनको बहुत अच्छे से चिपका देना है, जैसे फेविक्विक से कोई भी चीज़ चिपकाते हैं वैसे इसको चिपका लीजिए, कोई भी मनचाही शेप इसको दीजिए। मैंने थोड़ा सा स्टार में दिया है इसको, इस तरह से बनाया है। तो देखने में ही देखिए लेयर्स कितना दिखाई दे रही हैं। तो आप एक बार में इसको कट करके रख लीजिए और फिर आप आराम से इसको बनाते रहिए। और जब इसको ऑयल मैंने यहाँ पर थोड़ा गर्म किया है, बट बिल्कुल शांत ऑयल है, ऐसा नहीं है कि डालते ही बहुत ज़्यादा एकदम से बबल्स आ रहे हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ऑयल बिल्कुल शांत हो, बहुत शांत ऑयल में ही हम इसको डालेंगे। और फिर फ्लेम बिल्कुल लाइट ही करके इनको हम पकाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, नहीं तो एकदम तेज़ फ्लेम होगी तो एक तो ये काले हो जाएंगे, जल जाएंगे, और जो इनकी लेयर्स हैं वो निकल जाएंगी। तो बिल्कुल लाइट लाइट फ्लेम पर मैंने इनको पका लिया है बहुत अच्छे से। ये देखिए ब्राउन हो गए हैं बिल्कुल, तो लाइट ब्राउन आप इनको कर लीजिए। गोल्डन कर रखी थी, बहुत ज़्यादा उसको ठंडा नहीं किया है, गर्म चाशनी में ही हम इनको डालेंगे। अगर आप चाहें तो इनको अगर स्टोर करके रखना हो तो चाशनी तभी बनाइएगा, जब आपको खाना हो तभी इनमें चाशनी में इनको डालिएगा। तो इस तरह से हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। और अब थोड़ा सा पिस्ता डाल के मैंने इनकी गार्निशिंग कर दी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।